हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है। तो जिस भी साथी ने अभी तक OTR नहीं किया है, वो सभी OTR कर दें। मैं हर वीडियो में OTR के बारे में आप सभी को बताता रहता हूँ, जिससे कि आप सभी OTR कर लें, और जो लोग OTR कर लेंगे वही इस आवेदन को कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे सामने फरवरी महीने 2023 की करंट अफेयर के साथ RO/RO के लिए टेस्ट सीरीज होगी। इससे पहले हमने जनवरी महीने की टेस्ट सीरीज के साथ करंट अफेयर की पूरी क्लास कंप्लीट की थी। यानी हम हर महीने एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। जैसे हमने जनवरी महीने की कंप्लीट की, उसमें जनवरी महीने की करंट अफेयर थी प्लस GK GS के क्वेश्चन थे। इसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। करंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे वो फरवरी महीने 2023 के होंगे। तो ये हमारा जो क्लास होगा ये तीसरा होगा। इससे पहले दो क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई RO/RO 2023 के नाम से, आप उसको एक बार पूरा फॉलो कर सकते हैं। एक विशेष सूचना है उन सभी दोस्तों के लिए जो RO/RO की गंभीर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज दो प्रकार से हमने लॉन्च किया, एक हिंदी की स्पेशल, ठीक है, एक हिंदी की स्पेशल और एक GS प्लस हिंदी की स्पेशल। तो आप जिस भी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। पूरा जो प्राइज हमने रखा है, केवल अगर आप हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ₹149 है, जिसमें संपूर्ण आपको हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप हिंदी प्लस GS दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ₹299 पे करना होगा, जिसमें आपको PDF वगैरह भी दी जाएगी। तो ये जानकारी आपको देनी थी, बता दी। अब चलिए अपने टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझेंगे विद एक्सप्लेन के साथ कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो हम टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर करा रहे हैं, लगभग आपके 50% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न आज की क्लास का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, 1, 2, 3। पहला कथन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक। दूसरा कथन है भारत में पुलिस सेवा का जनक। तीसरा कथन है भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन। उपरोक्त उपाधियां या सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं? यानी ये जो ऊपर तीन कार्य किए गए, ये तीनों कराने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस को। यहाँ दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस, अब देखिए लॉर्ड कार्नवालिस का जो समय रहा है वो 1786 से स्टार्ट हुआ है भारत में गवर्नर या वायसराय के पद पर, और ये 93 तक रहे हैं। यानी इस बीच इन्होंने ये सारे कार्य किए थे जो आपके ऊपर दिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विधिक देशों में काम कर रहे थे? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, मैडम भीकामजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN राय। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी कहता है कि उपरोक्त सभी, यानी मैडम भीकामजी कामा, एम बरकतुल्ला और ये जो दोनों व्यक्ति दिए गए MN राय और VVS अय्यर, ये चारों के चारों व्यक्ति उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए विधिक रूप से कार्य कर रहे थे विभिन्न देशों में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी? ऑप्शन आपके सामने लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र। इसका सही जवाब होगा लाहौर षड्यंत्र। यह दोस्तों लाहौर की केंद्रीय असेंबली में जो बम कांड हुआ था एवं जो सैंडर्स की हत्या की थी, उसके द्वारा इन पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया और इसी में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, और इन तीनों ही लोगों को 1930 में जाके इनको फांसी दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे ऑप्षन नंबर पहला हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र। ठीक, सॉरी 1931 को, शायद मैं यहाँ पर क्लियर नहीं हूँ, 1931 को इनको फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931। आप एक बार इसको कमेंट करके बता देना क्या ये डेट सही है, मेरे को क्लियर नहीं याद अभी। ठीक है, 31 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदा या पदवी का परित्याग कर दिया गया था? तो याद रखेंगे, इस हत्याकांड के बाद
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि वापस की थी उस उपाधि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। उस उपाधि का नाम था नाइटहुड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी, यानी जो चार वेद हैं इनमें से कौन सा वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। जी हां दोस्तों, चार वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें से ऋग्वेद की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, वो है आपके सुक्त पिटक को, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युगों में से कौन सही सुमेलित है। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे एक शब्द दिया गया आकाराध्यक्ष, दूसरा सुना अध्यक्ष, तीसरा सीता अध्यक्ष। अब इनका संबंध किस किस से ही आपको बताना है। ठीक है, सही का चयन करें तो देखिए, आकाराध्यक्ष होता खानों का अध्यक्ष, सुना अध्यक्ष होता बूचड़ खानों का अध्यक्ष, और सीता अध्यक्ष होता राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। तो तीनों ही ये सही सुमेलित हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। उपयुक्त डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सामने है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है, यानी जो चार घटनाएं दी हैं इनमें सबसे अंतिम में कौन सी घटना घटित हुई थी, ये आपको बताना है। हम चारों ही घटनाओं पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सती प्रथा का पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो कब लगाया गया था। ठीक है, तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया था आप सभी को पता है 1829 में लगाया गया था। ठीक, 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। दूसरा रॉलेक्ट एक्ट, ये दोस्तों सभी को पता है जो रॉलेक्ट एक्ट आया था ये 1919 में आया था, जिसे काला कानून कहा गया। वुड डिस्पेच की बात करें तो वुड डिस्पेच आपका 1854 में आया था। ठीक है, अब बचा आपका वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट आपका 1878 में आया था। अब आपसे पूछा कि सबसे अंतिम में कौन सी घटना घटित हुई, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो जाएगा रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919। तो ये सबसे बाद में घटित हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन थे, बताइए किस शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके समकालीन थे, याद रखें ये बाबर के समकालीन थे। प्रसिद्ध भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर जहांगीर के समकालीन भी थे, पर यहाँ पर सर्वाधिक समकालीन पूछा जाता है तो वो बाबर के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करके द्वारा की गई थी, बताइए किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर होगा जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी 1791 में। ठीक है, याद रखेंगे 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कन्नौज राजधानी थी, बताइए किसकी कन्नौज राजधानी रही है। याद रखेंगे कन्नौज को राजधानी के रूप में मौखरी शासकों ने बनाया था, जिसमें मुख्यतः आप याद रखेंगे हर्षवर्धन वगैरह जो आप पढ़ते हैं, ईशा वर्मा या सर्व वर्मा या हर्षवर्धन, इन लोगों ने इसको राजधानी के रूप में बनाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। सबसे पहले कुमार पाल चरित्र, इसके जो रचनाकार है वो जयचंद है, आप यहाँ पर देखेंगे जयचंद सूरी। कपूर मंजरी की बात करें, कर्पूर मंजरी, तो इस कर्पूर मंजरी के रचनाकार ने राजशेखर हो जाएंगे, इसका जो सही जवाब होगा ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ललित विग्रहराज की बात करेंगे तो इसके जो रचनाकार है वो सोमदेव हो जाएंगे, और पृथ्वीराज रासो के चंद्रवर दाई हो जाएंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यहाँ पर दो कथन है, यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। बात हो रही है पर कैलाश मंदिर की, तो दोस्त याद रखेंगे ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, पहला भी
और दूसरा भी, ठीक है, दोनों ही कथन सही है। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है ये द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसका जो निर्माण था वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मध्यकालीन संत और कार्यक्षेत्र। यहाँ पर जैसे हम एक एक करके कवर करेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया ये सही सुमेलित नहीं है, मलूकदास राजस्थान, ठीक है, क्योंकि जो मलूकदास का जो जन्म होता है वो एक तो इसका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, जन्म कहाँ होता है इनका, इलाहाबाद में होता है, और ये अपने कार्य क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश को संभालते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश इनका कार्य क्षेत्र रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। शंकरदेव आसाम बिल्कुल सही है, नरसिंह मेहता गुजरात सही है, नामदेव महाराष्ट्र ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक के राजारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, या दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुगल काल में मदद ए मनसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए मदद ए मनसा। यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी, तो यह तो बिल्कुल सही है, यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ये भी बिल्कुल सही है, ग्राही के पास यह भूमि अनुवांशिक रूप से रहती थी, ये भी बिल्कुल सही है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ भाषा दी गई, आपको बताना कौन सा समाचार पत्र सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जैसे भारत मित्र ये हिंदी में प्रकाशित होता था, ये बिल्कुल सही है, प्रजा मित्र ये गुजराती में होता था, ये भी सही है, राष्ट्र मत ये मराठी में होता था, ये भी बिल्कुल सही है, नायक अंग्रेजी, यही दोस्तों गलत है, ठीक है, क्योंकि जो नायक पत्र था ये बंगाली भाषा में होता था। यहाँ पर भाषा आपसे पूछी गई है, नायक किस भाषा का पत्र था, ये बंगाली भाषा का पत्र था, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं, याद रखेंगे नायक बंगाली भाषा या अंग्रेजी दिया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया, यह अधिनियम कब पारित हुआ था, बताएंगे जूरी अधिनियम। इसका सही जवाब होगा 1826 यानी 1826 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर पांच आपके सामने संगठन दिए गए, उनकी स्थापना के आधार पर आपको क्रम लगाना है, ठीक है, पहले किसका हुआ, फिर उसके बाद कौन सी का हुआ, उसके बाद कौन सी का, एक एक करके बात को समझेंगे और यहाँ ये भी देखेंगे इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर वेद समाज की बात हो रही है, यहाँ पर हम देखेंगे वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये दोस्तों 1784 में हुई थी, और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विलियम, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, दोबारा से पुनः देखेंगे, वेद समाज की बात करेंगे तो इसकी सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद इससे संबंधित व्यक्ति को लिखेंगे, तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी, ठीक है, 1864 में हुई थी वेद समाज की स्थापना, करने वाले कौन थे, के श्री धरलु, इनका नाम भी आपको याद रखना है, करने वाले कौन थे, तो के श्री धरलु, इन्होंने इसकी स्थापना की। उसके बाद दूसरा आपका जो संगठन आता वो आपका मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना 1863 में की गई थी, और इसकी स्थापना करने का जो फ्रेज जाता है वो किसको जाता है, तो वो थे अब्दुल लतीफ, ठीक है, आप नाम भी साथ साथ याद रख सकते हैं, अब्दुल लतीफ, लतीफ, ठीक है। तीसरा आपका एशिया सोसाइटी, एशिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1784 में हुई थी, और करने वाले थे विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे आपका प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो 1867 में की गई थी,
और करने वाले कौन थे? तो आप याद रखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आपकी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद आपका आता है तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई। तो अब आप यहाँ पर इनका क्रम लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी हुई, सबसे बाद में कौन सी हुई। हम इन क्रमों को लगाने के आधार पर हम देखेंगे इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1784 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपकी घटना आएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। विदेशी यात्री और शासक दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अल मसूदी महीपाल शासक बिल्कुल सही है, रोल्फ फिंच अकबर ये भी बिल्कुल सही है, डोमियो पायस ये अच्युत देवरा ये गलत है, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस्को पेसोल्ट जहांगीर ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत था, बाकी सभी सही है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित मिलाप हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है, यानी मिलाप हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये भूगोल का। तो आप याद रखेंगे मिलाप हिमनद से शारदा नदी जिसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं का उद्गम होता है। नुब्रा नदी का उद्गम कहां से होता है, याद रखेंगे इसका उद्गम दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर से होता है, सियाचिन ग्लेशियर से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखें। मंदाकिनी नदी का भी आपसे उद्गम पूछ सकता है, इसको समेरू ग्लेशियर से होता है, समेरू ग्लेशियर। तो ये मैं सभी याद रखना है कौन सी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। दूसरा है मेघालय का पठार प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करनी है, सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। हाँ तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में अवस्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में अवस्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे दक्षिण में आपसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे हम बात करें जंजीवार, ये आपके कहाँ पड़ता है, ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। बात करें सिंधुदुर्ग, ये भी आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। कुर्नूल की बात करें, ये दोस्तों आपके कर्नूल केरल में पड़ता है, केरल में। और नागरकोल की बात करें तो दोस्तों आपके तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। अब आपको बताना सबसे दक्षिण में इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सबसे दक्षिण में तमिलनाडु वाला, क्योंकि जब आप भारत के मैप को देखोगे तो ये आपका केरल हो जाता है इस प्रकार से, और ये जो हिस्सा बचता है ये नीचे, ये आपका तमिलनाडु का बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख प्रश्न है कि पूना की संधि 1817 में निम्न में से किस किस के बीच हुई थी। याद रखेंगे पूना की जो संधि हुई थी 1817 में, ये संधि आपकी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के उद्देश्य से हुई थी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, थोड़ा इसका विस्तार रूप करेंगे, ये थोड़ा स्मॉल हो गया है। हाँ तो हमने ये वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा कारक, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अभिकथन है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। कारक है सूर्य की किरणों इसकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। बताइए इनमें से क्या सही है। याद रखेंगे इसमें से कथन और कारक दोनों सही है, कथन कारक की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 27वां प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर खफ जाति की, तो जो खफ जाति है आपके अरुणाचल प्रदेश यहाँ दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला खफ जाति आपकी पाई जाती है उत्तराखंड में, ठीक है। खफ जाति कहाँ पाई जाती है आपके, उत्तराखंड राज्य में, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा चलिए इसको और डिटेल से कवर करते हैं, तो आप यहाँ देख पाएंगे इनमें से सही सुमेलित आपसे पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है, खफ जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। आगामी जनजाति भी पूछी जाती है कि आगामी कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है, नागालैंड में पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है, बाकी सभी गलत हैं। अगला निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं,
यानी आपसे पूछा कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सी रबी की फसलें हैं। तो दोस्त याद रखेंगे, जौ, चना, टमाटर, सरसों ये रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये कृत्रिम झील है। ठीक है, और बाकी जो तीन दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मडकड़ गर्म झरना है, तप्ता पानी गर्म झरना है और ब्रजेश्वरी गर्म झरना है। ऑप्शन नंबर बी कोड़ाई कोनाल ये एक झील है। ठीक है, क्या है कि ये झील है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, ताजे पानी की। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, यानी जादूगोड़ा एक खान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, ये यूरेनियम उत्खनन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है। याद रखेंगे, सौर कलंक चक्र कितने वर्षों का होता है, ये दोस्तों 11 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सब प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है। बताइए कौन प्रशांत महासागरों से संबंधित है। तो हम्बोल्ट जलधारा आपकी प्रशांत महासागर से संबंधित है, जैसे दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। बताइए मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे मकर रेखा इनमें से बोलीविया देश से होकर नहीं गुजरती, बाकी तीनों नामीबिया, चिली और मेडागास्कर तीनों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही का चयन, असत्य कथन बताने गलत वाले। पहला, भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्गम होता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। दूसरा, भूकंपीय तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। इस प्रकार आपसे पूछा कि इनमें से कौन से कथन असत्य हैं, तो दोनों ही कथन कैसे हैं, असत्य कथन है। ठीक है, दोनों ही कथन कैसे हैं, असत्य कथन है। ठीक, अब क्यों कथन है, पहले में क्या कमी है। पहले में कहा गया कि भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं, इसमें कहा गया है जब उसे भूकंप मूल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चेंज कर दिए गए, अभिकथन यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होता, तो दोनों कथन सत्य होते, इसीलिए दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट के समय सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे जलवाष्प कहते हैं। ठीक है, जलवाष्प कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, एटलस उत्तर दक्षिण अमेरिका में, ओकावांगो द्रोड़ी ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, एबिसियन पठार पूर्वी अफ्रीका में, कौन से सही हैं, ये आपसे पूछा है। याद रखेंगे इसमें से, देखिए ये वाला बिल्कुल सही है और ये वाला भी बिल्कुल सही है, तो पहला इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला इसमें गलत हो रहा है, क्योंकि एटलस पर्वत है जो, ये आपका एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है, ना कि उत्तर दक्षिण में दिया है, उत्तर पश्चिम में आता है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न है ये, अगुलहास बेसिन स्थित है। बताएंगे दोस्तों अगुलहास बेसिन कहाँ पर स्थित है, तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये, हिंद महासागर में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, यानी इनमें से कौन सा देश है जो भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित नहीं है, तो वो दोस्तों आपका देश हो जाएगा जॉर्डन। ठीक है, वो देश तो जो देश हो जाएगा वो आपका जॉर्डन हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर की जो सीमा है वो उत्तर में और यूरोप और एवं पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरी हुई है, इसकी सीमा से लगभग 21 देश विद्यमान है। इसकी बात हो रही है, भूमध्य सागर से लगभग 21 देश विद्यमान आते हैं। ठीक है, जिनमें जॉर्डन शामिल नहीं है, जॉर्डन भूमध्य रेखा के साथ सीमा नहीं बनाता। आप एक बार मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता, जबकि एक जो नहर गुजरती है स्वेज नहर, उसके साथ उधर से आप देखेंगे तिरछी, वहां जॉर्डन की खाड़ी भी पाई जाती है, जिसे अक्काबा की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, वहां जॉर्डन बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपके, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है। कई बार एग्जाम पूछा गया है, क्रेडल ऑफ माउंटेन यानी पर्वतों का पालना किसे कहा गया है, भूसन्नतियों को, और ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम आपसे पूछा जाता है, उनका नाम था कोबर। जी हाँ दोस्तों, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसमें महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से
महाद्वीपों का निर्माण या हिमालय का निर्माण, 33 भूसन्नति वगैरह के बारे में बताया गया है, वो कोवर ही थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 40वां प्रश्न है कि जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? बताइए, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? तो वो होते हैं मानव। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? ये क्वेश्चन आपके आरओ यारो में पूछा जा चुका है एक बार, पॉलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे, पॉलिनेशिया का इनमें से गिलबर्ट द्वीप नहीं है। अब देखिए, टोंगा पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है, कुक्कू पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है, और सवोमा ये पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप मैप देखना एक बार तो आपको पॉलिनेशिया के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मोर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अभिकथन दूसरा कारक दिया गया, उनके आधार पर आपको सही कथन का चयन करना है। 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य बछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्थानीय पवनें और क्षेत्र दिया गया है, बताएंगे किस पवन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ठीक है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। काराबोरान की अगर बात करें पवन है, ये तारिम बेसिन मध्य एशिया में पाई जाती है। ब्लिजर्ड की बात करें कनाडा को प्रभावित करती है। सामुन की बात करें ईरान को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन से वो व्यक्ति जो उप प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक नहीं गए? इसका सही जवाब होगा चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रशेखर कभी उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं गए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राजस्थान की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो देखिए, भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, लोकतांत्रिक का मिलेगा, संप्रभुत्व का मिलेगा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है, ना कि इसकी जो जानकारी है वो प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये वर्णित है कौन से आर्टिकल में? तो दोस्तों याद रखेंगे, पुनर्निर्वाचन के लिए 57 आर्टिकल में इसका जिक्र है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। 58 में क्या दिया गया है? तो 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का जिक्र दिया गया है। ठीक है, 56 में कार्यकाल का वर्णन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारक कहा गया है। अभिकथन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कारक, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। नीचे दिए गए कूट से सही का चयन कीजिए। याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही चयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, कथन तो दोनों ही सही है पर व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपको बताना है, उपराष्ट्रपति से संबंध में सही नहीं है। ठीक है, गलत कथन आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमें सत्य नहीं है बताना, तो पहला तो सत्य है, दूसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, आपको याद रखेंगे ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। याद रखें दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति है वो अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है, यहाँ पर 1 वर्ष दिया है, तो यही वाक्य आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संविधान संशोधन दिए गए, दूसरी तरफ प्रावधान दिया गया है, बताएंगे। देखिए, यहाँ पर संविधान संशोधन में आप देखेंगे वामनवा संविधान संशोधन, तो इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, आपको पता है। 69वां संविधान संशोधन की बात करें तो दिल्ली को क्या दिया गया था? राजधानी का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान की उम्र थी वो कितनी की गई थी? आप याद रखेंगे 18 वर्ष की गई थी, और इसमें आपका क्या किया गया, भाग 9 में।
इस प्रकार ये सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 1, 2, 3, 4 ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज की हमने वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर किए। आपको पता है कि जीएस में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 50 की हमने एक वीडियो बना दी। इसी प्रकार एक अगली वीडियो भी 50 प्रश्न की आएगी और अगली वीडियो में हम 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो तीन वीडियो में हम पूरे प्रैक्टिस सेट को कवर कर देंगे, जिससे कि छोटी छोटी वीडियो से आप भी पूरा देखोगे और आपका भी समय ज्यादा खराब नहीं होगा। कोई भी कमेंट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हिंदी और जीएस की टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अभी न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई उसके माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद।